ये तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। आओ चलो नीचे उतरो। खोलो 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 जल्दी से। ये उसकी दाना नहीं भीगा। मुझे दे दो नीचे नहीं रखना। ओए नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और देखें माशाल्लाह एकदम से कितना प्यारा मौसम हो चुका है, बल्कि अब तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। यूं ही मैं छत में आऊँ ना, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चिड़िया बैठी हुई थी, पता नहीं यहाँ से क्या खाती हैं, लेकिन जो ही उन्होंने मुझे देखा ना, मैंने उन बेचारियों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे पता नहीं था, वरना मैं ऊपर भी ना आता। तो एकदम से यहाँ से सारी भाग के ना उधर को निकल गई हैं। मुझे लगा कि शायद ये वाली फीमेल या फिर मेल है, एक अंडा देकर यहाँ से उठ के चले गए हैं, लेकिन ये तो यहीं पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक अंडा परसों था ना, तो अभी तक मेरे ख्याल में दूसरा अंडा भी आ गया होगा। अच्छा एक मिनट, एक ही अंडा यार यहाँ पर। तो खैर कोई बात नहीं, अगर एक अंडे में से भी बच्चा निकल आता है ना तो अच्छी बात है। और दूसरा वाला बच्चा देखें माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, और यहाँ भी कहीं पर ना बच्चे आए हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डब बैठी हुई। कॉर्नर में देखें वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, एक डब बैठी हुई है। और इस जगह पर भी इतने ज़्यादा तिंकी हैं ना, मुझे लगता है यहाँ पर भी या तो डायमंड डब बैठी है या फिर बड़ी डब बैठी है, इसलिए तो उसको हम देख नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाएगी। एक ही दफ़ा इंशाल्लाह बच्चे देखेंगे। सारे पेरेंट्स अपने अपने केज पे आना भी शुरू हो जाएंगे, इन्हें पता चल चुका है कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए जो ही होगी ना बारिश शुरू, हल्की हल्की बारिश अभी लगी हुई है, लेकिन जब तेज़ वाली बारिश शुरू होगी ना तो ये सारे इन जालियों के ऊपर पहुंच जाएंगे, और फिर ये अच्छे से ना नहाना शुरू कर देंगे। मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए आज मैं इसको एक मौका और देता हूँ। आ जाओ भाई चिल्ली। ओ कॉर्नर में चली गई है, लगता है नाराज़ है अभी तक। चिल्ली भाई आ जाओ, अभी थोड़ी सी देर तक ना खुद ही आ जाएगी। तो है आज इसे लास्ट वाला मैं चांस दे रहा हूँ, मौसम अच्छा है इसलिए कि ये बाहर घूम फिर ले। हमारी मुर्गियाँ भी उस तरफ बाहर को निकली हुई हैं, लेकिन मैं देखूँगा, अगर तो इसने कुछ नहीं कहा तो ठीक, अगर इसने किसी भी परिंदे को कुछ कहा ना तो फिर हम इसे किसी को या तो दे देंगे और या फिर हम इसे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर हम अपने अल्फा के लिए अच्छी सी एक और फीमेल, जो ही मैंने ये खरीदी है ना, मुझे सेम अल्फा की तरह परिंदों पे हमला भी नहीं करती थी, वो फीमेल भी मिल गई थी। लेकिन जब तक ये है ना, अब हम नई फीमेल नहीं ले सकते। तुम क्या कर रहे हो? चीकी की तरह दूसरे घर में। तो मैं समझ रहा हूँ वो तुम्हारे पास है। नहीं वो दूसरे घर में। ओह यार किस जगह पे, मुझे नज़र ही नहीं आई। दूसरे वो अच्छा जिधर वो आड़ू वाले दरख्त है उसके साथ है। एक तो वो आड़ू वाले दरख्त के अंदर छुप जाती है ना, बोलती भी नहीं, ऐसे चुपचाप बैठ जाती है। बैठ जाती नहीं है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, सारी स्टोरी आपको थोड़ी सी देर तक बताता हूँ। बैठ जाती नहीं है, बैठ जाता है, उसके पास जाता हूँ ना फिर बताता हूँ। हमने पूल को पहले ही खाली कर दिया, मुझे पता था इतनी जब तेज़ बारिश होती है ना तो छतों से यहाँ पर सारा पानी फिर इधर से निकल के जाता है, तो अभी हमने वाल खोल दिया है। अब जितनी भी बारिश होगी ना तो ये जगह साफ़ हो जाएगी, उसके बाद फिर हम पानी भर देंगे। लेकिन निकाल दें इनको, आ जाओ चलो चलो चलो। तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है, ये देखें एकदम से कितनी तेज़ वाली बारिश। यार इनको अपने निकालते, चलो 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 अंदर ही रहो, बाहर निकल के क्या करोगे। अली मेरे से पहले भाग के चला गया, और इतनी तेज़ बारिश, बिल्कुल अंधेरा पड़ने वाला है। एक मिनट का मौका हमें मिल गया, बारिश रुक गई है, क्या पता फिर तेज़ हो जाए। इधर 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 इधर, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, इसको इसके घर के अंदर जल्दी से। इधर यार इधर इधर, चलो चलो इसको भी छोड़ दो जल्दी से। अब आ जाओ, छिकी तो बाहर है, हमें याद ही नहीं था, तो उसके पास जाना है यार, उसको भी। बारिश तो फिर से बारिश आ गई है। अली जल्दी 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 इधर आओ, अल्फा अपने घर के अंदर, तुम घर के अंदर, शाबाश। अब इसे कोई खतरा नहीं है। और देखो कितनी तेज हवा चल रही है, झंडा देखें कहाँ पर ऐसे नीचे को जा रहा है, कहीं टूट ही ना जाए ना। मुझे लगता है ये लोहे वाला कोई बांस है लकड़ी का, यार इतनी तेज, अभी तो और तेज आएगी तो ये तो टूट जाएगा। वो देखें एकदम से हवा जल्दी तेज आई है ना, तो वो टूट के नीचे चला गया। खोलो 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 जल्दी से। और पैर इतनी सख्त वाली आंधी आ चुकी है, हर तरफ पत्ते ही पत्ते हो गए हैं यार। पता है हमें डर क्या होता है, गमले गिर जाते हैं इतनी जब तेज़ आंधी आती है, ये चीज़ें सारी गिर जाती हैं और फिर टूटने का खतरा होता है। बस यार आंधी तो इतनी सही है, अब अगर तेज़ वाली बारिश हो जाए और 10-20 मिनट के बाद रुक जाए ना तो फिर अच्छा हो जाएगा। चीकी को हमने गीला होने से बचा लिया, अगर एक दो मिनट हम लेट हो जाते ना तो चीकी ने भीग जाना था। और एक आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारा चीकी मेल है, हमें उन भाई ने फीमेल कहकर भेजी थी, और हमने भी उन्हें बार बार यही कहा था कि यार आप हमें फ़ीमेल देना। हुआ कुछ यूँ कि उनके पास एक मेल था एक फ़ीमेल थी, उन्होंने किसी को मेल भेजना था, मुझे फ़ीमेल भेजनी थी। चीकी क्या हुआ है, पानी से डर गया लगता है पानी से डर गया। अबे आदत होगी ना दो दिनों में, तो हम इसे अभी भी फ़ीमेल ही कहते हैं। तो उन भाई से मेरा रबता हुआ, वो कह रहे हैं कि गलती से
फीमेल आपके किसी और भाई के पास चली गई है तो आप इसको वापस भेज दें, मैं आपको फीमेल भेज देता हूँ। अब हो सकते हैं हम एक दो दिन तक ना इसको वापस भेज दें और इसकी जगह हम फीमेल ले आए, क्योंकि मेल जो होता है ना वो एक तो बहुत एग्रेसिव होता है, अभी भी ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, लड़ाई करता है, फीमेल इतनी एग्रेसिव नहीं होती और ये थोड़ी सी शरारतें ज़्यादा करता है, ये संभाला नहीं जाता बाद में, तो इसलिए हो सकता है हमारा चीकी शायद कल या परसों जब भी हमें मौका मिला, या फिर एक और भाई हैं वो कह रहे हैं कि आप ये चीकी हमें दे दें और आप नई फीमेल ले लें, तो जो भी हुआ ना पॉसिबल वो करेंगे। अभी बस जल्दी से क्या करते हैं, अली ने लाए इसे? नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही चेक करते हैं यार, गर्मी है, पहले भी तो हमने इसे नहलाया था ना। पानी से डरता है यार, यार तेज वाली बारिश लगी हुई है और हमारा दाना भी आ चुका है, तीन तोड़े हमने निकाल लिए और चौथा वाला अभी मैं उठा के लेके जाऊंगा। शुक्र है, मुझे लगा भाई छत के ऊपर लाएंगे लेकिन ये गाड़ी के अंदर लाए हैं, चलाक भाई हैं, इसलिए दाना नहीं भीगा, मुझे दे दो नीचे नहीं रखना, ओए नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखना। दोस्तों दाना तो हमारा आ चुका और शुक्र है कि हमारा दाना भीग नहीं गया, अगर भीग जाता ना इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना था। और अभी अभी हमें एक और याद चीज़ आई है कि यहाँ पर ना स्वीटी है, ना बेबो है, डोनट कैंडी भी नहीं है और सिम्बा भी नहीं है, तो इसलिए मज़े से बैठने की जरूरत नहीं है, आ जाओ सारे चलते हैं। अब बारिश देखें कितनी ज़्यादा तेज़ है, वो भी नहा चुके होंगे, हमने भी नहाना है, ऐसे ही गर्मी में नहा लेते हैं, लेकिन देखें ना बारिश कितनी तेज़ है, तो इंतज़ार किस चीज़ का है? चलो चलो चलो, चार है ना तो हम चार हैं, उन सबको एक ही दफ़ा पकड़ लाएंगे। इधर इतना स्लिपरी है, गिर जाओगे आराम से, ये देखें ना कितना कीचड़ और है, आराम आराम से आओ ना, फिर बार बार रुक जाते हो, शाबाश, आ जाओ आज सब भीगेंगे। भागो यार, ये तो ये नीचे खड़े हैं, इनके ऊपर पता नहीं, ये तीन चार हैं, पांचवी हमारी ये इस तरफ खड़ी है, आ जाओ चलो घर चलते हैं, शाबाश यार, ये तो भीग चुकी है, कोई बात नहीं अरे रुक जाओ इन सबको इधर ले आओ, इस दरख्त के नीचे, यहाँ पर ना बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, इस जगह पर बिल्कुल बारिश नहीं आ रही और बारिश का कोई पता नहीं, अगर अभी रुक जाती है ना तो फिर यहीं पर ये खाएंगे, इनको लेके नहीं जाएंगे। हाँ सबको ले आओ, तीन चार उसको भी ले आओ। ओए अली तुमने किसके कपड़े पहन लिए? अब्बू के लगते कपड़े पहन के आगे, ये डोनट इतना ज़्यादा चला के जहाँ पर मैं जाता हूँ ना मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मेरे पास ही अम्ब्रेला है, बारिश ही नहीं आती हमारे ऊपर, अभी देखिएगा ये अम्ब्रेला के नीचे आके रुक गया, अभी चलना शुरू हो जाएगा, आ जाओ जल्दी से जाते हैं, ये मैंने छोटा कज़न गुजर रहा था यहाँ से, उसे छीन ली, वो दरवाज़ा आ गया, ये बारिश रुक चुकी है, बादल जा रहे हैं, धूप निकल आई है और पूल को देखें पानी से फुल हो चुके हैं, हालांकि हमने वहां से पाइप को खोल दिया था लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर के लिए हमने पाइप को बंद किया तो इतना ज़्यादा बारिश का पानी जमा हो चुका है। खैर इसको भी अभी हम निकाल देंगे, सामने हमारे ओसिफ बाहर आने का इंतज़ार करें, लेकिन उनको मैं बिल्कुल नहीं निकाल सकता क्योंकि ये देखें सामने थोड़ा सा कीचड़ है और अगर वो बाहर निकल आए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो काफ़ी देर से जब से बारिश थी ना तब से मैं इधर ही था, मैं दूसरे घर गया ही हूँ, तो अभी जाकर देखना है कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, चिकी भी वहीं पर है, तो जाकर ना जल्दी से चिकी के पास जाते हैं, उसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं क्योंकि वो अब हमें बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये जो ही मुझे देखते हैं ना एकदम से ये शोर मचाना शुरू कर देता है, अभी अगर मैं इसको ये यहाँ से खोल दूँ ना तो ये मेरे पास आ जाएगा भाग के, ये कहीं भी यहाँ से भाग के नहीं जाएगा, अभी हम इसे खोलेंगे भी थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन गर्दन से नहीं, हम ऐसे ही इसे खोल के छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले ये एप्पल मैं इधर रख देता हूँ, रुक जाओ खोलता हूँ, ये खुद ही जाके ना यहाँ से, यार ये यहाँ पर ये बंधा हुआ है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ इसे खोलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसे खुला ही छोड़ देंगे, तो इसने शोर मचाया हुआ है, ये देखें ये मैंने इसे खोल दिया, ओह अब इसने ना यहाँ पर ये चैन को फंसा दिया, चलो कुछ भी नहीं हुआ, चलो आओ आ जाओ ये देखें जी इसने एप्पल खाना शुरू कर दिया, अब इसने कहीं भी नहीं जाना, ये जहाँ पर भी हम जाते हैं ना मैं और अली ये वहीं हमारे पीछे खुद ही जाता है, ये टेम होता जा रहा है लेकिन ये यहाँ पर रहेगा नहीं, इसकी जगह फीमेल आएगी, फीमेल भी फिर ऐसे ही टेम हो जाएगी, अब इसने ये खाने के लिए देख लिया है ना तो अब ये हमारी तरफ आ नहीं रहा, हमें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, चिकी अच्छा नहीं लेते यार, हम नहीं लेते, आराम से खो, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इसकी जो चेन है ना हम गले से निकाल दें, लेकिन उसका एक मसला ये है
कि ये एकदम से ना इन दरख्तों के ऊपर भी चला जाता है, और रस्सी काफ़ी लंबी है ना, तो हम इस रस्सी को पकड़ के ना इसे नीचे उतार लेते हैं। लेकिन अगर इसकी चेन गले से निकाल दी ना, तो फिर इसने ऊपर चले जाना है, फिर जब इसका दिल करेगा, जब इसे भूख लगेगी, तब इसने नीचे आना है, वरना ये फिर ऊपर ही रहता है। जो मकई हम कबूतरों वगैरह को देते थे ना, वही नीचे गिरती रही है। तो ये देखें मकई कितनी ज़्यादा उगाई थी, और अभी अभी अली भाग के आया, उसने मुझे बोला कि हमारी जो कैंडी है उसने खाना शुरू कर दिया है। मतलब कि इतने 7-8 दिन तो हो गए थे तब से वो नहीं खा रही थी, और हम उसे खुद ज़बरदस्ती खिला रहे थे, और आज खुद उसने खाना शुरू कर दिया। और हुआ कैसे है कि हमने उसे सुर्ख मिर्चें खिलाई हैं। मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि सुर्ख मिर्चें खिलाएं, उसके खाने की हिस वापस आ जाएगी। तो अभी जल्दी से ना उसको ये भी खिलाते हैं। किधर है हमारी कैंडी, वो देखें अभी भी ये कुछ खाई जा रही है, खा रही है खुद से खा रही है। माशाल्लाह इसने खाना शुरू कर दिया कैंडी को ना। हम यार इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। कैंडी इधर आओ। काफ़ी ज़्यादा ये कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी शुक्र है इसने खाना शुरू कर दिया। अभी देखते हैं खाएगी नहीं खा रही यार पहले की तरह। अली को कह रहा था कि ये खाएगी। खा लो यार, वो खा रहा है, ये नहीं खा रही, इसे खिलाना है। इधर आओ, मुझे लगता है ये खाएगी। खाओ, थोड़ा सा तो खाओ, पता तो चले तुमने खाना शुरू किया है कि नहीं किया। पहले जैसी हरकतें अभी तक तो कर रही है ये। क्या यार, ये तो खा नहीं रही। और अली ने मुझे बताया था कि इसने खाना शुरू कर दिया। अभी मैं इसे बाहर लेकर आता हूँ ना, फिर खिलाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये खाना शुरू कर दे। ओहो, इनका खाना ख़त्म हो चुका है, और ये तो सारा दिन खाती रहती हैं, अभी खाने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से खा लिया। यार ये बिल्कुल भी नखरा नहीं करती, इतने मज़े से खाती हैं ना, जो कुछ भी हम इनको देते हैं ना ये एक मिनट में खा जाती हैं। ये इनकी बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वरना हमारी बकरियां तो नखरे करती हैं, दुम्बे भी नखरे करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं खाते। ये चिकी को देखिए, इसकी रस्सी खुली हुई है। और ये चिकी किधर जा रही हो, तुम्हारे पीछे आ रहा है, इसे भागने नहीं देना, इसे पास ही रखना। अब देखें उसके पीछे चला गया है, जहाँ पर वो जाएगा ना, चिकी उसके पीछे या फिर मेरे पीछे, क्योंकि पहले उसने आवाज़ दी थी। चिकी 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 किधर जा रहा है यार, ये देखें, छोड़ दो इसको जाने दो, जिधर भी चिकी जाता है इसको जाने दो। चिकी फिर से अपनी जगह पे चला गया, जहाँ पर ये सेब खा रहा था, जो सेब के छोटे छोटे टुकड़े इसने यहाँ पर छोड़ दिए थे ना, अब उन्हीं को दोबारा से उठाकर खा रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, गंद पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो उस जगह की भी सफाई कर रहा है, पानी नहीं पी रहा, क्योंकि आज ना बारिश हुई है ना, तो एक तो हम बारिश में नहाते भी रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है इसे प्यास कम लगी हो। चिकी आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। आ रहे इधर, ओए पानी के अंदर नहीं जाना, चलो इधर चलें जी। ये तो काम अच्छा हो गया, कि मतलब जिधर हम जाएंगे उधर हमारे पीछे पीछे ये अब यहाँ से भागेगा नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रेन होता जा रहा है। ये देखें इधर, चिकी इधर आओ। चिकी अब उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि सामने ना झूले में वो बैठा हुआ है, या फिर हो सकता है चिकी मेरे पास आ जाए। आ रहे मेरे पास आ रहे, आ जाओ। ऐसे ही से ट्रेन करते हैं। तो आज के जो व्लॉग था यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चिकी परिंदों के पास नहीं जाना, वो डर जाएंगे। ये लें जी, ये तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, आओ चलो नीचे उतरो, परिंदे डर जाएंगे, परिंदों के पास नहीं जाना।